चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे आपका भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों को देखेंगे हम लोग। इन दोनों के बीच ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है उस पर भी बात करेंगे हम लोग, और इन दोनों देशों के बीच सहयोग के आखिर कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर ये दोनों लेकर आगे बढ़ सकते हैं इनके संबंध। द्विपक्षीय संबंधों का वर्तमान परिदृश्य क्या है इन दोनों देशों के बीच। भारत और दक्षिण कोरिया संबंधों में चुनौतियां यानी कि समस्याएं आखिर कहाँ आ रही हैं उस पर भी बात करेंगे। भारत दक्षिण कोरिया एक दूसरे के पूरक हैं उसे भी हम लोग देखेंगे किस तरह से पूरक हैं। याद रखिए, आपका जो दृष्टि आईएएस आर्टिकल लिखता है ये बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा जाता है। इसमें हर एंगल मतलब हर सवाल की आपके जवाब देने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैप्स पर। तो ये देखिए, हमारा प्यारा एशिया में हमारा प्यारा भारत है, और भारत भारत के पड़ोसी आपके श्रीलंका देखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन। इसके बाद आप यहाँ जाएंगे तो यह है दक्षिण कोरिया, दिख रहा है? देखिए यहाँ से यह है दक्षिण कोरिया, ऊपर है आपका उत्तर कोरिया, यही आपका चीन है, ये पीत सागर है, ये पूर्वी चीन सागर है, और यहाँ उत्तरी कोरिया हो गई। इसकी दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक है, ये आपका जापान सागर है और ये जापान है। तो ये आपका दक्षिण कोरिया, इसी के बारे में हमें बात कर रहे हैं। भारत और दक्षिण कोरिया ने विगत कई वर्षों में द्विपक्षीय संधियों और समझौतों के माध्यम से अपने संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान दोनों देशों के मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बेहतर आपसी समन्वय देखने को हमें मिला है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दक्षिण कोरिया ने परीक्षण की तेज गति और कठोर क्वारंटीन नीति तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसी रणनीतियों पर गंभीरता से कार्य किया है, जो भारत के लिए पृथक पथ प्रदर्शक साबित हुआ है। यानी कि आप कहने का मतलब है कि आप दक्षिण कोरिया से सीख रहे हैं। अगर मैं इतना कहता हूं कि आज आपने तभी सीख लिया होता जब चाइना से ये वायरस बाकी देशों में फैल रहा था, तो उस समय हमारी समझ में नहीं आया कुछ, ना ही हमने सीखने की कोशिश की है। वो तो वैसा ही हाल है कि दूसरा फैल हो रहा है, कह चुके हैं, चाणक्य ने कहा था कि हमें दूसरी की गलतियों से सीख ले लेनी चाहिए, लेकिन हम नहीं लेते हैं। जब तक हम खुद उस गड्ढे में नहीं गिर जाते हैं तब तक हम उससे सीख नहीं लेते हैं। आप समझिए कि आज अगर आपका देश इतनी बुरी स्थिति में से गुजर रहा है तो इसका कारण एक ही है कि आपके देश के जो भी नीति निर्माता है या फिर आप पॉलिटिशियन ले लीजिए, उन्होंने बाकी देशों से सीखा ही नहीं। जब मालूम था हमें कि एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण ये वायरस फैलता है, तभी हमें पूरी तरह से सतर्क हो जाना चाहिए था, तो आज ये स्थिति ना देखने को हमें मिलती। किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है इसे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। भारत दक्षिण कोरिया के बीच मजबूत व्यापारिक और आर्थिक संबंध के अलावा गतिशील रक्षा संबंधी संबंधों को भी समान महत्व दिया जा रहा है। वर्ष 2019 में भारत और दक्षिण कोरिया ने विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत एक समझौता किया जिसके अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के नौसैनिक अड्डों का उपयोग रसद के आदान प्रदान के लिए कर सकेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये आपका बात ही कर ही चुके हम लोग, मैप्स में देख चुके हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध लगभग 2000 वर्ष पुराने। कितने? 2000 वर्ष पुराने। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी सुरी रत्ना ने कोरिया के राजा किम सोरो से विवाह किया था, और दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंधों के मद्देनजर एक संयुक्त डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई, लेकिन इसका प्रसार चीन, जापान, कोरिया तक हुआ। इस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों को एक दूसरे के को करीब लाते हैं। भारत के कई शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने दूतों को इस क्षेत्र में भेजा था, और साथ ही यहाँ के छात्र भारत के बौद्ध शिक्षा केंद्रों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी आते हैं दक्षिण कोरिया के। इन दोनों देशों के बीच अगर हम लोग सहयोग के क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले आपका राजनीतिक क्षेत्र। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनीतिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1945 में दक्षिण कोरिया की आजादी के बाद शुरू हुई। भारत ने हमेशा से ही दक्षिण कोरिया के मामलों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई। भारत के श्री के पी एस
मेनन कोरिया में चुनाव करवाने के लिए बस 1947 में गठित 9 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष थे। याद रखिए इस नाम को, केसी केपी एस मेनन। कोरिया युद्ध, यह आपका 1950 से 1953 के बीच युद्ध के दोनों पक्षों ने भारत द्वारा प्रायोजित एक संकल्प को स्वीकार कर लिया और 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई, जो भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी। सन 2006 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा की गई कोरिया गणराज्य की राजकीय यात्रा ने भारत कोरिया गणराज्य संबंधों की एक नए दौर की शुरुआत की थी। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार, व्यापक आर्थिक समझौता, साझेदारी समझौता यानी कि CEPA पर निर्णय लेने के लिए कार्यबल का गठन किया गया था और जनवरी 2010 में इस पर व्यापक आर्थिक साझेदारी करार को प्रभावित किया गया। सन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण कोरियाई यात्रा अहम रही, उन्हें सेउल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखिए इस तरह दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध काफी मजबूत हुए। व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें हम लोग, तो भारत कोरिया का 15वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत कोरिया गणराज्य व्यापार में पोत निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण तथा विनिर्माण आदि प्रमुख है। इसमें कोरिया गणराज्य की सैमसंग, हुंडई मोटर्स और LG जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत में लगभग $3 बिलियन से अधिक निवेश किया हुआ है। तो याद रखिए जो आप सैमसंग का मोबाइल की यूज करते रहते हैं वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कोरिया गणराज्य में भारतीय तकनीक कंपनियों का निवेश लगभग 2 बिलियन है। आधिकारिक रूप से कोरिया की छोटी बड़ी 603 फर्में भारत में कार्यरत हैं। इसके अलावा कोरिया ने घोषणा की कि वह भारत में एक स्टार्टअप सेंटर की स्थापना करेगा। बहुराष्ट्रीय कोरियन कंपनी सैमसंग ने विश्व का अपना सबसे बड़ा उद्यम नोएडा में लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी। यदि भारत निवेश के अनुकूल वातावरण बनाए तो कोरिया निवेश में पीछे नहीं रहेगा। दोनों देशों के बीच 2013-14 में $16.67 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार रहा, जो 2019-20 में बढ़कर आपका $22.52 बिलियन हो चुका है। अगर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो भारत कोरिया गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए अप्रैल 2011 में सेओल में तथा दिसंबर 2013 में बुसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय क्रमशः कोरिया अध्ययन, कोरियन भाषा पाठ्यक्रमों में कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। बस 2013 में कोरिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ द्वारा भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया की स्थापना की गई। भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया एक ऐसा मंच है जो बड़ी संख्या में कोरियाई व भारतीय शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों और व्यवसायिक प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। भारत और कोरिया गणराज्य के बीच युवा प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान वार्षिक आधार पर कई वर्षों से हो रहा है। फिर आपका भारतीय डायस्पोरा। अनुमानित तौर पर कोरिया गणराज्य में रह रहे भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 11,000 के करीब आसपास है। कितना? 11,000। कोरिया गणराज्य में लगभग आपके 1,000 भारतीय शोधार्थी स्नातकोत्तर एवं PhD पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, जहाजरानी और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में अनेक पेशेवरों ने भारत से कोरिया गणराज्य में प्रवेश किया है। द्विपक्षीय संबंधों का वर्तमान परिदृश्य अगर हम लोग देखें हाल में, तो वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में दोनों देशों के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित उपकरणों जैसे टेस्टिंग किट, मास्क तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने वाली दवाओं का परस्पर आदान प्रदान सुनिश्चित किया गया। भारत यहाँ एक अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दक्षिण कोरिया नई दक्षिणी रणनीति के माध्यम से भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया ने भारत को अपना विशेष रणनीतिक साझेदार घोषित किया है। दक्षिण कोरिया ने इस प्रकार एक समझौता केवल अपने पारंपरिक सहयोगियों जैसे जापान और अमेरिका के साथ किया है। भारत और दक्षिण कोरिया अपने सामरिक संबंधों को लगातार मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर की संयुक्त बैठक के साथ ही सचिव स्तर पर 2+2 डायलॉग यानी कि 2+2 डायलॉग जैसी वार्ता चल रही है।
दक्षिण कोरिया अफगानिस्तान में भारत के साथ त्रिपक्षीय आधार पर एक परियोजना का निर्माण कर रहा है, साथ ही वह सदैव भारत की अफगानिस्तान नीति का समर्थन करता रहा है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक आर्थिक भागीदारी समझौता है। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता महत्वपूर्ण धातुओं और उससे बनी वस्तुओं के निःशुल्क आयात की अनुमति देता है। भारत दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र की स्थापना नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम के परिसर में की गई। इसके माध्यम से दोनों देश लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कोरिया प्लस का संचालन जून 2016 में किया जा रहा है, और जिसमें दक्षिण कोरिया उद्योग व्यापार एवं ऊर्जा मंत्रालय, कोरिया व्यापार निवेश एवं संवर्धन एजेंसी और इन्वेस्ट इंडिया के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और प्रसार भारती ने दक्षिण कोरिया में दूरदर्शन इंडिया चैनल तथा भारत में कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग चैनल के प्रसारण की सुविधा देने पर भी सहमति जताई है। आखिर इन दोनों देशों के बीच समस्याएं हैं, जो संबंधों में चुनौतियां या समस्याएं क्या क्या हैं। भारत दक्षिण कोरिया के साथ समझौता करके सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से चीन को दरकिनार करना चाहता है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण कोरिया का भारत की अपेक्षा चीन से व्यापार लगभग 10 गुना अधिक है, यानी कि हमसे ज्यादा व्यापार चीन से उसका। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच असमंजस की स्थिति बरकरार है, इसलिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक अपेक्षित गति नहीं कर पा रहा है। हाल ही में दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के संबंध सामान्य हुए हैं, और अप्रत्यक्ष तौर पर यह माना जाता है कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच परमाणु कार्यक्रमों को लेकर साझेदारी है, जो भारत के लिहाज से चिंता का विषय भी है। ये उत्तर कोरिया वही है, यहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष है सनकी है। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परिणाम स्वरूप नस्लीय भेदभाव की घटना में वृद्धि हो रही है। भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य एक दशक पहले ही सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर सहमति बनी, लेकिन वो सहमति अभी कागजों पर ही सीमित है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि इस संदर्भ में खास प्रगति नहीं हुई है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा योगदान है, लेकिन भारत इन द्विपक्षीय देशों से संबंध उतना मजबूत नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत दक्षिण कोरिया एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही प्रायद्वीपीय मुल्क हैं। भारत के विपरीत दक्षिण कोरिया अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूर्णतः समुद्र से होने वाली आयात पर निर्भर है। ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते रसूख के बीच समुद्री यातायात की सुरक्षा दोनों मुल्क की का साझा हित है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का दबदबा सेओल के लिए कारगर, यानी कि दक्षिण कोरिया के लिए कारगर साबित हो सकता है। वहीं दक्षिण कोरिया की जहाज निर्माण क्षमताएं भारत के लिए सहायक साबित हो सकती हैं। भारत में सैन्य और कारोबारी इस्तेमाल के लिए पोत निर्माण आधुनिकीकरण में दक्षिण कोरिया का सहयोग लाभ का सौदा साबित हो सकता है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हितों का तालमेल तकनीक हस्तांतरण को भी आसान बनाता है। इसके अलावा ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस गन और सीमा की निगरानी की कारगर प्रणालियों तक साझेदारी के कई मोर्चे हैं जिन पर दोनों देश वार्ता कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के साथ लगने वाले डिमिलिट्राइड जोन में दक्षिण कोरिया ने जिस तरह निगरानी के संवेदनशील सिस्टम विकसित किए हैं, वो अगर भारत को प्राप्त हो जाए तो पाकिस्तान से लगी हमारी जो नियंत्रण रेखा है घुसपैठ की चुनौतियों से निपटने में भारत के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के साझा विकास और उत्पादन को लेकर भी बात चल रही है, यानी कि कर रहे हैं दोनों देश। दोनों ही देश इंडो पैसिफिक नीति के समर्थन में हैं, और तो और भारत की एक्ट ईस्ट नीति की तरह दक्षिण कोरिया की नई दक्षिण नीति का उद्देश्य भी दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों के साथ आर्थिक राजनीतिक राजनयिक और सामरिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण करना है। दक्षिण कोरिया की नई दक्षिण नीति के अनुसार वो उत्तर पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करेगा। भारत भी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के को अमली जामा पहनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिका चीन में बढ़ते व्यापार युद्ध को देखते हुए भारत को नए बाजार की आवश्यकता है। ऐसे में भारत दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंधों की नई दिशा दे सकता है। भारत के तेज विकास की चाह में दक्षिण कोरिया
का आज क्या महत्व है, एक आसान समीकरण से समझा जा सकता है। भारत की आबादी दक्षिण कोरिया से 24 गुना अधिक है, और जबकि प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में दक्षिण कोरिया का 16 हिस्सा ही है। इस प्रकार दोनों के रिश्ते एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, क्योंकि जहां दक्षिण कोरिया के पास उन्नत तकनीक है और विशेषज्ञों के साथ पूंजी मौजूद है, वहीं भारत के पास बहुत बड़ा बाजार और कच्चे माल की उपलब्धता है, जिससे जिसका लाभ दोनों देश उठा सकते हैं। इन दोनों के रिश्तों में आगे की राय क्या हो सकती है? वर्तमान में जिस तरह दोनों देशों के बीच संबंध बढ़े हैं, वह दोनों देशों की आवश्यकताओं की ओर इंगित करते हैं, लेकिन इसे और आगे ले जाने की जरूरत है, जिससे विश्व शांति की व सुरक्षा में भी अपना योगदान दे सकें। बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता को कम करने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति और दक्षिण कोरिया की नई दक्षिण नीति को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत को दक्षिण कोरिया को अपने प्राथमिकता वाले देशों में शामिल करने की भी आवश्यकता है। तो ये कहानी है आपकी दक्षिण कोरिया और भारत के संबंधों की।